तक चुप बैठेंगे सर? चुप होने की वजह ये कि हम लड़की हैं और तुम मुखिया होने का दावा करके मेरे पे चले जाओगे कि 140,000 रुपए दिए तुमको गाना पड़ेगा ऐसे? आपने क्या बोला कि मैंने ही अनुपमा को गाड़ी तक छोड़ा है, वो तो पब्लिक टूट पड़ी। अच्छा पब्लिक टूट पड़ी, कौन बात का तुम मुखिया हो जी कि तुम अपने पब्लिक को संभाल नहीं सकते हो? अनुपमा एक क्या वो 2 घंटा गाना गाती है अगर आपका ये प्रेम संबंध होता तो? एक भूमिहार ने आकर के यहाँ पे बंदूक रखे मेरे भाई को बोला तू चिन्ह ही ना रे भूमिहार, यो भूमिहार ऐ जा मार के गाड़ दे ना तेरा पता नहीं चलता तू कहाँ जैमी। कलाकार अगर आज कलाकार के लिए नहीं खड़ा रहेगा तो फिर कौन खड़ा रहेगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं पिंटू आर्यन आपका भाई और आप देख रहे हैं जोश बिहार। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जोश बिहार में मैं लगातार आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो लेकर आता हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज से मिलता जुलता खबर लेकर आता हूँ। अगर बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पवन सिंह और उपमा यादव के बीच में जो विवाद चल रही है उस विवादों को मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं बता दूं कि भोजपुरी एक विवाद का अड्डा बन चुका है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जब तक विवाद नहीं होता है तब तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज आगे ग्रोथ नहीं करती है। इसी तरह से अगर बात करें तो अनुपमा यादव भी लगातार इसी बात को लेकर चल रही है कि पवन सिंह उनको उनके जो मुखिया वाले विवाद में मदद नहीं की, उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। पवन सिंह का कहना है कि अगर कहीं पैसा लेकर गए हुए हैं प्रोग्राम करने तो प्रोग्राम करना चाहिए, ना कि अपने निजी जीवन को प्रवस्थित करने जाना है। दोस्तों तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं। लगातार आप लोग इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। इससे पहले कि मैं बात करूँ जोश बिहार चैनल पे, तो हमेशा से भोजपुरी इंडस्ट्री से मिलता जुलता खबर लेकर आता हूँ। लोकसभा चुनाव के बाद अभी विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। पवन सिंह काफ़ी फॉर्म में है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। अलग बात करके तो पवन सिंह की पारिवारिक जीवन भी उसी तरह से चल रही है जिस तरह से आप पहले से। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जोश बिहार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना होगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको पसंद आए। और ना कुछ कर पाता है दोस्तों, हालांकि उनको कोठा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, हम उसी नाम से जानते हैं इसलिए उनका नाम हमको याद ठीक से नहीं है। हालांकि दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो लगातार मैं लेकर आते रहूँगा, आप लोगों को एंटरटेन कराते रहूँगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। जय हिंद।